नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। निमौल पंचायत मुख्यालय से लेकर रंगा पोखर गांव को जोड़ने वाला मुख्य सड़क का निर्माण कार्य कराए जाने को लेकर शनिवार की सुबह करीब 10 बजे गांव के सैकड़ों पुरुष महिलाओं के द्वारा गांव के आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों ने कहा कि आजादी के बाद रंगा पोखर गांव को पक्की सड़क नसीब नहीं हुई है। मोल पंचायत के रंगा पोखर गांव में रिपीटिंग का दौरा है। महेशपुर पंचायत और निमौल का पंचायत का सीमा है, जोड़ना है उसको। जाने आने का तकलीफ बहुत होता है, किसी का जो अगर बीमारी जारी होता है तो ना ले जाने का बहुत कठिन होता है, ले जाते जा करके जो सीरियस हो जाता है। और रास्ता इतना ख़राब हो गया है जो गाड़ी घोड़ा भी जाता है, बच्चा लोग स्कूल में भी जाता है तो बहुत तकलीफ होता है, पानी उनी लग जाता है। आज़ादी के बाद सर ये पंचायत है आदेश ग्राम पंचायत भोला निमौल वार्ड नंबर 6 रंगा पोखर गांव की सड़कें इस तरीके से मतलब सर जर्जर हो चुका है। जो यहां से अगर हम लोग को मान के चलिए आजमनगर, जैसे कि हम लोग का अंचल ब्लॉक है, हॉस्पिटल है, अगर हम लोग को किसी पेशेंट को अगर ले जाना पड़े सर, तो आज के डेट में भी 2022 के में भी हम लोग को जो है चारपाई में लेकर तब जाके सर हम लोग को पेशेंट को जो है हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। और मरने का हालत में किसी को कोई रोड नहीं है, कुछ नहीं है, चारपाई में हम लोग को ले जाना होता है हॉस्पिटल में। और बहुत दिक्कत है, इतना रोड के लिए हम लोग को दिक्कत है, बहुत कठिनाई है हमारा, हमको रोड चाहिए, रास्ता चाहिए। आदिवासी समाज के लोगों में जश्न का माहौल है। आजमनगर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में आदिवासी समाज के लोगों में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। देश के सर्वोच्च पद पर आदिवासी समाज की महिला को पहली बार राष्ट्रपति बनने का मौका मिला है। इसलिए हम लोग खुशी मना रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ आजमनगर प्रखंड इकाई आजमनगर के द्वारा प्रखंड कार्यालय सालमारी में स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। आजमनगर प्रखंड क्षेत्र के सालमारी के भारतीय मजदूर संघ कार्यालय में राकेश कुमार प्रखंड अध्यक्ष सह जिला सहायक मंत्री ने बताया कि आज के दिन भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की गई थी। जुलाई 2022 को हम लोग भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले स्थापना दिवस का कार्यक्रम सोमबाड़ी हाट में अपने कार्यालय पर कर रहे हैं। और भारतीय मजदूर संघ 1955 से आज तक अपना कार्यक्रम करता आ रहा है और मजदूर हितों में ये अपना। झारखंड बिहार बॉर्डर स्थित पीरपैंती थाना क्षेत्र के शाहबाद मिर्जा चौकी के रास्ते दुबौली गांव होकर लगातार कई दिनों से ओवरलोडेड ट्रैक्टरों का परिचालन ग्रामीण सड़क होकर प्रतिदिन 100 से 150 तक ट्रैक्टर चलाया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस मामले को लेकर स्थानीय थाना प्रभारी को शिकायत करने के बावजूद भी यह परिचालन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हम लोग इस ट्रैक्टर अवैध रूप से जो ट्रैक्टर चल रहा है इससे हम लोग बहुत परेशान है। और कुछ लोगों के द्वारा ये अवैध रूप से गाड़ी चलाया जा रहा है जिससे ग्रामीण बहुत परेशान है। और एक दो गाड़ी नहीं चल रहा है, ये डिपो में माल जा रहा है और कम से कम 100 ट्रैक्टर चल रहा है, जिस पर मिर्जा चौकी थाना प्रभारी, पीरपैंती थाना प्रभारी साहब, डीसी साहब को और भागलपुर डीएम साहब को, एसपी साहब को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। ये ग्रामीण सड़क है, बगल में एक कोचिंग सेंटर है, उसमें 800 बच्चा पढ़ता है। कल कोई अप्रिय घटना होगा तो इसका जवाबदेही कौन लेगा? कल मेरा ही बच्चा, आपका ही बच्चा अगर मर जाए तो इसका जवाबदेही कौन लेगा?
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के 5 अगस्त को आयोजित होने वाले स्वर्ण जयंती समारोह को लेकर बेनीपट्टी के उच्चैठ में स्थित कालिदास विद्यापति साइंस कॉलेज में प्राचार्य डॉक्टर शुभ कुमार वर्णवाल के नेतृत्व में सामान्य अध्ययन विषय पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। लगभग 2 दर्जन छात्र छात्राओं ने इस सामान्य अध्ययन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। क्वेश्चन वाकई बहुत अच्छा था, लेकिन मैं साइंस से बिलोंग करती हूँ, ये क्वेश्चन साइंस में बाकी बहुत अच्छा था और वही थोड़ा मैं इतिहास में थोड़ा वीक हो रही हूँ, इसीलिए थोड़ा ध्यान दूंगी। मधुबनी के बिस्फी प्रखंड के पतौना ओपी क्षेत्र के परसौनी में सर्पदंश से एक बच्चे की मौत हो गई। मृतक बच्चे की पहचान परसौनी वार्ड संख्या 2 के सूरज मुखिया के 9 वर्षीय पुत्र अमित मुखिया के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि बच्चा घर में बेड पर सोया हुआ था जहां सांप ने उसे डस लिया। खबर राजधानी पटना से है, जहां पटना हाईकोर्ट के पास दरोगा दजीत सिंह पर एक युवक ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक पूर्व में भी दरोगा ब्रजेश सिंह को टारगेट कर रहा था। गांधी मैदान के पास अग्निपथ प्रोटेस्ट में विधि व्यवस्था को खराब करने में युवक ने भूमिका निभाई थी। वहीं हाईकोर्ट पुलिस केबिन के पास आग लगाने का भी वह प्रयास कर चुका है। वहीं इस घटना के बाद आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि घायल दरोगा को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बीच में डिस्टर्ब कर रहा था तो उसको हटाए, लाठी लिए हुए था, हटाए तो उसी में जो है कि लाठी चला दिया। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को मिली भारी सफलता से उत्साहित लोजपा कार्यकर्ताओं ने मुकामा के शेरपुर गांव में जमकर जश्न मनाया। लोजपा कार्यकर्ताओं ने पटना पूर्वी जिला अध्यक्ष राकेश कुमार के नेतृत्व में अबीर गुलाल लगाया और मिठाइयां भी बांटी। सबसे पहले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देते हैं, जिन्होंने एक ऐसे द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया जो देश के लिए, समाज के लिए और अपने संविधान के लिए बहुत ही सराहनीय चीज है। इसलिए हम तमाम शेरपुरवासी आज जश्न मना रहे हैं और द्रौपदी मुर्मू जी के लिए ये कामना करते हैं लंबी आयु का, कि उनको भगवान हमेशा सद्बुद्धि दे और तो देश हित और जनहित में फैसला ले। नालंदा के विभिन्न केंद्रों पर इन दिनों BA पार्ट 2 की परीक्षा ली जा रही है। इसी केंद्र पर से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि वीडियो में एक ही कमरे में कई छात्र छात्रा जमीन पर बैठकर परीक्षा दे रहे हैं, उनके पास मोबाइल भी है और बड़े आराम से एक दूसरे की नकल कर रहे हैं। द मेन स्ट्रीम फाउंडेशन एक पुनर्वास केंद्र है जो विशेष रूप से ऑटिज्म के कारण पर काम कर रहा है। यह पूर्वी भारत का पहला अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा ऑटिज्म केंद्र है जो व्यवसायिक चिकित्सा, भाषण चिकित्सा, विशेष शिक्षा और नैदानिक मनोविज्ञान की पेशकश के एक अद्वितीय प्रस्ताव के साथ 5,000 वर्ग फुट से अधिक में फैला हुआ है। वहीं द मेन स्ट्रीम फाउंडेशन के द्वारा 23 से 24 जुलाई को बोरिंग रोड स्थित बसावन पार्क में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। हमारी जो संस्था है मेन स्ट्रीम स्कूल फॉर ऑटिज्म एंड स्पेशल केयर फाउंडेशन, इसके तत्वाधान में हम लोग ऑटिज्म से संबंधित जो छोटे बच्चों में बीमारी होती है उसकी ट्रीटमेंट का काम हम यहाँ पे करते हैं। और इसके ट्रीटमेंट में बहुत सारे आयाम होते हैं, जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन। बच्चों के ट्रीटमेंट में एक बहुत कोर एरिया होता है जिसे हम लोग सेंसरी इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं, और हमारे थेरेपिस्ट इस टूल का इस्तेमाल करके ऑटिस्टिक बच्चों का ट्रीटमेंट करते हैं। एज अ पार्ट ऑफ आर रेगुलर प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन अपग्रेडेशन फॉर आवर थेरेपिस्ट, हम लोगों ने आज यहाँ पर इन्वाइट किया हुआ है डॉक्टर RM सुंदर फ्रॉम बेंगलोर, जो कि काफ़ी रिनाउंड पर्सनैलिटी हैं इन द फील्ड ऑफ फिजियोथेरेपी, सेंसरी इंटीग्रेशन, और इन्होंने 17 वर्षों का इनका अपना खुद का अनुभव है इस क्षेत्र में। तो आज ये हमारे बीच में यहाँ पे हैं ताकि हमारे थेरेपिस्ट को सेंसरी इंटीग्रेशन के बारे में स्पेशली एजुकेट कर सकें फर्दर, और नए मॉडल्स, नए टूल्स के बारे में उनको बता सकें। तो इस पर्पज़ से आज हमने 2 दिन का ये वर्कशॉप रखा हुआ है। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर RM सुंदर हैं, आप उनसे इसके बारे में थोड़ा विशेष जानकारी लें। मेन स्ट्रीम फाउंडेशन ने ये कोर्स ऑर्गेनाइज़ किया है, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है थेरेपिस्ट का अपग्रेड करना एक
एक लेवल में अपग्रेड करके बच्चों को ना बहुत अच्छी क्वालिटी ट्रीटमेंट देना है, वो बहुत ज़रूरी है. सो इन दैट केस मेनस्ट्रीम फाउंडेशन इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब इन नो नॉट ओनली ब्रिंगिंग द क्वालिटी ट्रीटमेंट बट ये भी है दैट नो दे आर ट्राइंग टू नो अपग्रेड द स्किल ऑफ देयर ओन थेरेपिस्ट. ये वर्कशॉप है, इट इज़ ऑल अबाउट सेंसरी इंटग्रेशन है. सेंसरी इंटग्रेशन वो बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है ऑटिज़म बच्चों के लिए. कई बिहेवियर्स होता है बच्चों में, ऑटिज़म बच्चों में, वो सेंसरी इंटग्रेशन डिफ़िकल्टी से होता है. सो ये इसमें एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है एंड देन मेनस्ट्रीम फाउंडेशन इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब इन ऑर्गेनाइजिंग दिस. आई रियली अप्रिशिएट व्हाट दे आर डूइंग एंड देयर इज़ ऑलरेडी अ लॉट ऑफ अ क्वालिटी ट्रीटमेंट दैट मेनस्ट्रीम फाउंडेशन इज़ गिविंग. ये एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन होगा उनकी थेरेपिस्ट के लिए टू नो अपग्रेड देयर ट्रीटमेंट स्किल्स टू मेक इट मच मोर बेटर देन व्हाट दे आर ऑलरेडी डूइंग. थैंक यू. एक्चुअली क्या है, आज के दिन में ये बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, कोरोना के कारण और बढ़ी है. पहले जैसे अगर इंडिया में आप बोलोगे तो इंडिया का कोई डेटा है नहीं हमारे पास, किसी के पास नहीं है. इंडिया में भी रिसर्च इतनी इस पर हुई नहीं है, बट अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ का आप डेटा देखेंगे, अमेरिका का या कहीं और का, तो 1 in 65 मतलब 65 में से एक बच्चे को ये प्रॉब्लम बीमारी हो रही है. और मैं कहूँ कोरोना के बाद या जो डेटा आजकल निकल के आ रहे हैं वो इससे कहीं ज़्यादा है. तो डे बाय डे ये नंबर बहुत बढ़ रही है और एक्चुअल में ये उचित कारण इसका क्या है वो किसी को नहीं पता. बट ये आज के डेट में जो कहा जा रहा है कि मे बी जेनेटिक, मे बी लाइफस्टाइल, हमारा जो दिन खान पान है जिसमें इतना टॉक्सिटी और केमिकल इतने सारा चीज़ है जिसका इम्पैक्ट बहुत है इस बीमारी पे, तो इसके कारण ये डे बाई डे बढ़ता चला जा रहा है ये बीमारी. तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाले समय के लिए हम सब के लिए होता जा रहा है. और मेनस्ट्रीम क्या कर रही है, मैं अगर आपको बताऊं तो मैं खुद दिल्ली में काम करता हूं, बट मेनस्ट्रीम में हर महीने विजिट करता हूं, यहाँ क्वालिटी को चीज़ों को देखता हूं, तो मुझे नहीं लगता है कि नॉर्थ इंडिया में इस लेवल का कोई सेटअप है जो इतना कमिटेड होकर और इस लेवल पे काम करता है. तो वो मेनस्ट्रीम की सबसे बड़ी खासियत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे बच्चों का केयर की बात हो, चाहे स्टाफ हो, चाहे आप अगर कहीं भी जाएंगे तो पूरे इंडिया किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सब चीज़ नहीं मिलेगा. मैनेजस्टी में कैसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ न्यूरोलॉजिस्ट से लेकर सारा थेरेपी, जैसे यहाँ पे हमारे पास न्यूरोलॉजिस्ट है, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अजय कुमार है, उसके बाद हमारे पास क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, हमारे पास फिजियो है टीम में, हमारे पास ओटी है टीम में, स्पेशल एजुकेशन है, स्पीच है, तो जितना लोग मिलकर एक साथ काम कर सकते हैं उस बच्चे पे, तो हम सब लोग मिलकर एक साथ एक छत के नीचे काम करते हैं. इससे क्या है कि बच्चे का ओवरऑल विकास, सर्वांगीण विकास जिसको हम कहते हैं, कि ये नहीं कि हम सिर्फ स्पीच पे काम कर रहे हैं, मोटर में डिले रह गया, दिक्कत हो गई, बच्चे को लिखना नहीं आता है, पढ़ना नहीं आता है, तो हम स्पेशल एजुकेशन पे भी काम करते हैं. अगर बच्चे को बैठना नहीं आता है, सुनना समझना नहीं आता, तो वहाँ सेंसरी इंटीग्रेशन के थ्रू हम उसको सिटिंग लाते हैं जिससे वो बैठे, सुने, समझे. तो ओवरऑल बच्चे का हर एरिया पे हम लोग काम करते हैं कि उसका कंप्लीट विकास हो. और पिछले 2 सालों में, हमने कोरोना स्टार्ट होने से पहले इसको स्टार्ट किया था 2020 में, 2 सालों में बीच में कोरोना आई, बंद हुआ, खुला, बंद हुआ, खुला हुआ, बट हमारे पास उतने लोग जुड़े हुए हैं अभी तक पेरेंट, और हमारे पास वेटिंग भी 200-250 बच्चों का है जो चाहते हैं कि हमें सर्विसेज जल्द से जल्द मिले. बट हम लोग हर वीक 2-4-5 बच्चे ऐसे हैं जिसको हम डिस्चार्ज भी कर रहे हैं अपने सिस्टम से, क्योंकि वो ठीक हो रहे हैं तो हम उसको रेगुलरली डिस्चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतना लंबा वेटिंग लिस्ट है कि ज़बरदस्ती किसी को हमें नहीं रखना है. तो हम उस मोटो के साथ काम कर रहे हैं, जैसे नाम से ही आपको अगर आप ध्यान देंगे तो मेनस्ट्रीम का मतलब वो मेनस्ट्रीम से बाहर हो गए हैं, सोसाइटी से बाहर की तरफ जा रहे हैं. हम वापस काम करके उनको मेनस्ट्रीम में, सोसाइटी के मुख्य धारा में उसको वापस लाना चाहते हैं, और यही हमारा मोटो है और हम उस पर लगे पड़े हैं. जैसे बहुत कॉमन सा क्वेश्चन लोग पूछते हैं हमारे पास जब पेरेंट आते हैं कि कब मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा. ठीक एक ऐसा वर्ड है जो बहुत सब्जेक्टिव वर्ड है. हम और आप अगर एक दूसरे को बात करें तो हम आप में भी कुछ कमियां हैं, कुछ आगे पीछे हैं, तो पूरा ठीक कोई नहीं है इस दुनिया में. लेकिन फिर भी जो हम लोग नॉर्मल बच्चा, हम लोग कहते हैं कि टिपिकली डेवलपिंग बच्चा, जो एक नॉर्मल डेवलप कर रहा है, उसके तुलना में जो बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है उसमें कितना गैप है, तो हमारा जो मोटो है उस गैप को कम करना. तो मैं आपको अगर बोलूं कि ये डिपेंड करता है उसकी प्रॉब्लम कितनी है, सीवियरिटी कितनी है, कितना प्रॉब्लम ज़्यादा है. जैसे उसमें माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर करके कैटेगरी होता है. तो जो माइल्ड वाले बच्चे होते हैं, 60% बच्चे ऐसे होते हैं जो माइल्ड कैटेगरी में होते हैं, वो रिकवर कर जाते हैं. 20% ऐसे बच्चे होते हैं जो मॉडरेट के आसपास होते हैं, 20-30% जो आपको थोड़े दिक्कत रह जाते हैं काम करने के बाद भी, बट वो ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंटली अपना लाइफ जी सकते हैं. बट 10-15% बच्चे ऐसे होते हैं जो सीवियर कैटेगरी में होते हैं, वहाँ पे बहुत इफर्ट करने के बावजूद भी उनकी डिपेंडेंसी हर चीज़ों को लेकर अपने पेरेंट पे रखती है. तो रिकवरी अगर आप कहें तो मैं जरूर कहूँगा कि 60% के आसपास, 60-70% बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छा रिकवर करते हैं, अच्छा चेंजेज आता है उनमें रेगुलर थेरेपीज के द्वारा.
बिहार में अंबेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पटना ने सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया से मिलकर लर्न एंड अर्न योजना का संचालन प्रारंभ किया है। साथ ही इंटर्नशिप और ऑन जॉब ट्रेनिंग की सुविधा पार्ट टाइम दी जाएगी। इस तरह नामांकन के साथ रोजगार की भी सुविधा उपलब्ध होगी। जब इस योजना में हम चयन कर रहे हैं और उनको 5,000 रुपया पर मंथ मिल रहा है एजुकेशन के साथ साथ, तो हमें लगता है गरीब घर के विद्यार्थियों को हमारे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में ट्रेनिंग के लिए दिया जाएगा, सो दैट कि हमारे बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप ट्रेनिंग उस एरिया में मिले, ताकि वो पढ़ाई भी कर सकें और साथ साथ एजुकेशन भी कर सकें। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।